इंडियन एयरफोर्स में अभी दो नए फाल्कन एवेक्स को शामिल करने का फैसला किया गया है। एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी अभी यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स की रिसर्च लैब के साथ मिलकर एयर लॉन्च ड्रोन्स को डेवलप करने वाली है। भारत और रशिया के बीच इसी साल के अंत तक काफी सारे डिफेंस डील साइन होने वाली है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एक और इम्पोर्ट बैन लिस्ट को करने का फैसला किया गया, जिसको शायद इसी साल के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। इसी साल के अंदर ही ब्रह्मोस एरोस्पेस को लगभग 4.5 बिलियन डॉलर की डील मिल चुकी है और इसमें 40% से ज्यादा ऑर्डर ब्रह्मोस की लैंड बेस्ड मिसाइल की है। उगांडा को अभी भारत की तरफ से 36 व्हीकल को गिफ्ट के तौर पर दिया गया है और श्रीलंका को अभी एहसास हो चुका है कि चाइना को 99 ईयर के लिए पोर्ट को लीज पर दे देने से उनकी एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो हमारे पास अभी 5 एक्स मौजूद हैं, जिनमें से 3 फाल्कन एवेक्स और 2 नेत्र एवेक्स हैं। इनमें से फाल्कन एवेक्स का रेंज 400 किलोमीटर के आसपास है, जो कि 360 डिग्री तक का कवरेज दे सकती है। और नेत्र एवेक्स की बात करें तो इनका रेंज 250 किलोमीटर तक है और ये 240 डिग्री तक का कवरेज दे सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारी एवेक्स फ्लीट को पाकिस्तान या चाइना के साथ कंपेयर करेंगे तो उनके मुकाबले हम काफी पीछे पड़ जाएंगे। पाकिस्तान के पास अभी 8 से 10 काराकोरम ईगल और साब 2000 एवेक्स मौजूद है। वहीं पर चाइना की बात करें तो उसके पास करीब 30 के आसपास एवेक्स मौजूद है, जिनमें केजे 2000, केजे 200 और केजे 500 जैसे एवेक्स शामिल है। एवेक्स की बात करें तो ये ग्राउंड बेस्ड रडार के मुकाबले काफी जल्दी ही दुश्मन का पता लगा सकते हैं और फ्रेंडली यूनिट्स को गाइड कर सकते हैं। और अभी हम जिस तरीके का टू फ्रंट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ऐसे में हमें एवेक्स की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 20 एवेक्स की जरूरत है, लेकिन फाइनेंशियल इशू होने की वजह से पिछले कई सालों से एडिशनल एवेक्स को खरीदने का जो प्रोग्राम था उसको डिले किया जा रहा था। इसमें 2 एडिशनल फाल्कन एवेक्स के साथ साथ डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए जा रहे नए एवेक्स को भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ फाल्कन एवेक्स की डील को जल्दी फाइनल करने का फैसला किया गया है। इसको लेके पिछले कुछ दिनों से इंटरनल डिस्कशन किए जा रहे थे और अभी बताया जा रहा है कि जल्दी कैबिनेट कमेटी की तरफ से ऐसे 2 फाल्कन एवेक्स को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया जाएगा। इस डील की कीमत लगभग 1 बिलियन डॉलर के आसपास होने वाली है, जिसमें 2 इजरायली फाल्कन येलो वार्निंग सिस्टम को IL-76 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन इनमें कुछ खास अपग्रेड्स होने वाली है और ये हमारे प्रीवियस फाल्कन एवेक्स के मुकाबले बेहतर होने वाले हैं, जिनको 2009 से 2011 के बीच इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। और अभी जिन 2 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा, इनको 2 से 4 सालों के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट एयर लॉन्च ड्रोन्स को लेकर है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी की तरफ से अभी यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स रिसर्च लैब के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन किया गया है। इसके अंदर वो एयर लॉन्च ड्रोन्स को बनाने वाले हैं। इस कंपनी का नाम न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि अभी इंडो यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव के अंदर इन ड्रोन्स को यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप करने वाला है। इस कंपनी की तरफ से अभी तक ऑफिशियली इसके बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि इस कंपनी को अभी फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स रिसर्च लैब के साथ डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन पिछले महीने अंडर सेक्रेटरी LNM लॉर्ड ने बताया था कि वो किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर एयर लॉन्च ड्रोन्स को डेवलप करने वाले हैं। लेकिन तब वहां पर किसी इंडियन कंपनी का नाम अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच साइन किए गए DTTI एग्रीमेंट की एक सक्सेस स्टोरी बनने वाली है। और अभी सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई सारे फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि बहुत ही जल्द सामने आने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके है। कल हमने भारत और रशिया के बीच चल रही डिफेंस डील की नेगोशिएशन के बारे में काफी सारे खबरों को कवर कर लिया था, जिसमें सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये था कि भारत में अभी रशियन डिफेंस इक्विपमेंट की स्पेयर पार्ट बनने वाले हैं और इसके लिए एक एग्रीमेंट को काफी पहले से ही साइन किया गया था, जिसको अभी जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ और खबर सामने आई है, जैसे कि रशिया अभी भारत के साथ इगला एस शोल्डर फायर डिफेंस सिस्टम को सप्लाई करने के लिए एक डील को साइन करने वाली है और इस डील को जल्दी से जल्दी साइन किया जाएगा, क्योंकि इन सिस्टम को अभी लद्दाख में डिप्लॉय किए गए इंडियन आर्मी के जवानों को दिया जा रहा है।
रशिया की फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री सुगायब ने बताया कि इस डील को जल्दी से जल्दी साइन किया जाए और ये एक प्रीवियस डील था जिसमें इग्लायस सिस्टम को भारत की तरफ से सिलेक्ट किया गया था और हाल ही में जिन इग्लायस सिस्टम के लिए भारत की तरफ से ऑर्डर प्लेस किया गया था वो एक सेपरेट ऑर्डर था जिसको इमरजेंसी बेसिस पर खरीदा गया था। अभी 2020 के अंदर ही AK-203 राइफल डील के साथ साथ 6 Kamov-31 हेलीकॉप्टर की डील भी फाइनल होने वाली है और हो सकता है इनको अभी INS विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए खरीदा जा रहा है। वहीं पर S-400 सिस्टम की बात करते हुए रशिया की तरफ से कहा गया है कि भारत को S-400 सिस्टम की पहली बैच 2021 के एंड तक डिलीवर करने का शेड्यूल रखा गया है, लेकिन इसे जल्दी भी किया जा सकता है और इसके लिए कोशिश जारी है। अगला अपडेट इंपोर्ट बैन लिस्ट को लेके, कुछ दिन पहले ही भारत की तरफ से 101 डिफेंस इक्विपमेंट की इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाया गया था क्योंकि ये सभी सिस्टम भारत में बनाए जाते हैं और इनको अब से इंडियन कंपनी से ही खरीदा जाएगा, लेकिन उस वक्त ये भी हिंट दिया गया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी पर और भी स्टडी किया जा रहा है जिसमें आगे चल के और भी आइटम्स को ऐड किया जा सकता है। आज तक और इंडिया टीवी में एक रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी हमारी इंडियन कंपनियों के साथ डिटेल में डिस्कशन किया जा रहा है कि किन किन इक्विपमेंट को भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और इस पर डिटेल रिपोर्ट मिलने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक और इम्पोर्ट बैन लिस्ट को पेश किया जा सकता है जिसमें अभी के मुकाबले काफी ज्यादा आइटम ऐड होने वाले हैं। अभी जो 101 डिफेंस इक्विपमेंट की इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी इसके अंदर आने वाले 6 से 7 सालों के अंदर हमारे इंडियन कंपनी को लगभग 4 लाख करोड़ तक का बिजनेस मिलने वाला है जो कि हमारी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम की एक शुरुआत है। और अभी जो दूसरा खेप इसका आने वाला है ये हमारे नए डिफेंस कंपनियों के लिए और भी ज्यादा मौका लेके आ सकता है और इसको अभी इसी साल के अंत तक ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अनाउंस करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट भारत और उगांडा को लेके है। जी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी उगांडा को 36 व्हीकल गिफ्ट के तौर पर दिए गए हैं जिसमें 10 बस, 10 ट्रूप्स कैरियर, 2 एम्बुलेंस और 14 मोटरसाइकिल शामिल हैं। इन सबको अभी उगांडा की डिफेंस फोर्सेस को दिया गया है और भारत की तरफ से अफ्रीका को उनकी डिफेंस नीड को पूरा करने के लिए मदद करने का एम रखा गया है जिससे भारत अफ्रीका में बढ़ रही चाइनीज इन्फ्लुएंस को भी कम करने की कोशिश कर सकता है। 2020 की शुरुआत में लखनऊ में इंडियन अफ्रीकन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया था और साथ ही जब 2018 में पीएम मोदी जी उगांडा की विजिट पर गए हुए थे तो तब उन्होंने सिर्फ उगांडा को नहीं बल्कि सभी अफ्रीकन कंट्रीज को मदद करने का वादा किया था और भारत अभी अफ्रीकन कंट्रीज में भी डिफेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करने का प्लान कर रहा है। इसी के तरफ एक छोटा सा कदम लेते हुए अभी उगांडा को 36 व्हीकल गिफ्ट के तौर पर दिए गए हैं। इनको ऑफिशियली उगांडा के लिए अपॉइंट किए गए हमारे एम्बेसडर अजय कुमार जी ने उगांडा की डिफेंस मिनिस्टर को हैंडओवर किया था। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। रशियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस एरोस्पेस को इस साल मिलने वाली ऑर्डर्स में लगभग $1 बिलियन का ज्यादा ऑर्डर मिल चुका है। पैंडेमिक की वजह से जहां पर सभी कंपनियां लॉस में चल रही है ऐसे में ब्रह्मोस एरोस्पेस के ऑर्डर में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के को डायरेक्टर अलेक्जेंडर ने बताया कि इसी साल फरवरी में ब्रह्मोस एरोस्पेस को लगभग $4.5 बिलियन के आसपास का ऑर्डर मिला था और इनमें 40% के आसपास लैंड बेस्ड ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ऑर्डर किए गए थे और बाकी नेवी और एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ऑर्डर प्लेस किए गए थे। हो सकता है इन ऑर्डर के पीछे भारत और चाइना के बीच चल रहे तनाव भी एक मुख्य कारण हो सकता है, लेकिन अभी ब्रह्मोस मिसाइल को अभी एक हाइपरसोनिक मिसाइल में भी कन्वर्ट करने का प्लान किया गया है। इसको 2 फेज में हाइपरसोनिक मिसाइल में कन्वर्ट किया जाएगा जिसमें पहले फेज में इसको 2024 से 2025 के अंदर मार्क 5 तक की स्पीड को अचीव करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा और इसके बाद 2026 से 2027 के बीच इसको मार्क 6 से मार्क 7 की रफ्तार को हासिल करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। और रशिया की तरफ से अभी इसे हाइपरसोनिक मिसाइल में कन्वर्ट करने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट चाहिए उन सभी को डेवलप करना और टेस्टिंग करना भी शुरू किया जा चुका है। अगला अपडेट हमारी एयर डिफेंस कमांड को लेके है। कुछ महीने पहले आपने सुना होगा भारत की तरफ से एक नई एयर डिफेंस कमांड को सेटअप करने का प्लान किया गया था। इस नए एयर डिफेंस कमांड को इंडियन एयरफोर्स की सेंट्रलाइज्ड कमांड हेडक्वार्टर के साथ लिंक किया जाएगा और ये हमारे सभी मेन एयरवेसेस के साथ भी इंटरलिंक होने वाला था। इस कमांड के अंदर अभी हमारे तीनों सर्विस को एक साथ मर्ज किया जा सकता है और इसकी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अपॉइंट किए गए ऑफिसर वाइस चीफ एयर मार्शल HS अरोरा जी का कहना है कि इसमें हमारे तीनों सेनाओं के एसेट्स को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आसान भाषा में कहें तो इसके अंदर हमारे सभी एयर डिफेंस रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इस नए एयर डिफेंस कमांड को अभी अक्टूबर की सेकेंड वीक तक ही प्रयागराज में सेटअप करने का निर्णय लिया गया है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की निगरानी में एक और कंबाइंड मैरिटाइम कमांड को भी सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है जिसको या तो कोची में या फिर
करवार में किसी जगह में सेटअप किया जाएगा। हमारे तीनों सेनाओं के एयर डिफेंस सिस्टम को अभी तक इंडिविजुअली ऑपरेट किया जाता था, लेकिन इस नए कमांड की सेटअप होने के बाद ये हमारे तीनों सेनाओं के एयर डिफेंस सिस्टम को एक साथ कम्बाइन कर पाएगा। अगला अपडेट श्रीलंका की तरफ से है। श्रीलंका के फॉरेन सेक्रेटरी ने अपने रिसेंट स्टेटमेंट में बताया है कि चाइना को श्रीलंका की तरफ से हम्बनतोट्टा पोर्ट को 99 ईयर के लिए लीज पर देना श्रीलंका की एक बहुत बड़ी गलती है और इसी बात का एहसास अभी श्रीलंका को हो चुका है। लेकिन इसको लीज पर देने से इसका मतलब ये नहीं है कि श्रीलंका भारत के अगेंस्ट कोई काम करने वाला है। श्रीलंकन टीवी चैनल से बात करते हुए श्रीलंका के फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया कि श्रीलंका भले ही चाइना को हम्बनतोट्टा पोर्ट को लीज पर दे चुका है, लेकिन इससे पहले वो हमेशा न्यूट्रल रहता था, लेकिन अभी वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करने वाला है और श्रीलंका ऐसी कोई भी काम नहीं करने वाला है जिससे भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हानि पहुंचने वाली है और बदले में वो भी भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का ख्याल रखने वाले हैं। तो यहाँ पर भारत के लिए कुछ हद तक अच्छी खबर यह है कि श्रीलंका में अभी भारत की पकड़ थोड़ी मजबूत हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि चाइना अभी श्रीलंका में अपनी इन्फ्लुएंस को काफी बढ़ा रहा है और ये बताया जा रहा था कि कोलंबो पोर्ट में भारत जो ईस्ट साइड की कंटेनर टर्मिनल को इस्तेमाल करता था वहां से भारत को निकालने की बात की जा रही थी, पर अब ऐसा नहीं होने वाला है और श्रीलंका की तरफ से ये वादा किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।